हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल भाईरी जी। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एक टेम्पररी जॉब ढूंढना चाहते हैं, कुछ टाइम के लिए रिसर्च वर्क में काम करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर है। IGIB ने यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च रिलेटेड पोजीशंस निकाली हैं और उनमें जो पे है वो भी अच्छा है। अगर आपको इनमें से कोई भी फील्ड में करना है जॉब, कुछ टाइम के लिए टेम्पररी जॉब है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं इनके बारे में। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट स्टाफ एडवर्टीजमेंट इंटरव्यू ऑन 22 मार्च। 22 मार्च को इंटरव्यू होगा। इस पर जब मैं क्लिक करूंगी तो इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पोजिशन ओपन फॉर टेम्पररी रिसर्च प्रोजेक्ट पोस्ट। बहुत सारी पोस्ट है यहाँ पे। डेट जो इंटरव्यू का होगा 22 मार्च को सुबह 10 बजे होगा, वीडियो कॉल के थ्रू होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी रिसोर्चेस है, जिनमें से जैसे अगर मैं कुछ बताऊँ, एक एक पोजीशन है, दो दो पोजीशन है, लेकिन बहुत सारी हैं। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ है COVID-19 से रिलेटेड द सेकेंड वेव एंड बियॉन्ड, इससे रिलेटेड ये रिसर्च है। रिसर्च का नाम भी दिया हुआ है। यहाँ पे पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट 2। इन सबके यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है। इसमें मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको नेचुरल साइंस में। एज जो होनी चाहिए 35 साल होनी चाहिए 31 तारीख तक। वहीं जो अगर आपको पोस्ट कोड 2 है तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इसमें, और सेकेंड है कि मिनिमम 2 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं नीचे जाऊँ यहाँ पे पोस्ट में, तो और पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट, ये तो कंटिन्यू उसी का ही है जो ऊपर हमने प्रोजेक्ट देखा था। एक पोस्ट है जिसमें सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, जिसके लिए आपको क्या होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इसमें। उसी के साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है, 40 साल की एज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे और भी मेंशन किया है। उसके अलावा यहाँ पर एक है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग एंड इन विट्रो वैलिडेशन ऑफ लेंटीवायरल काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कंस्ट्रक्ट है। प्रोजेक्ट एसोसिएट है। 4 पोस्ट है, MSc होने चाहिए आप, या फिर BTech होना चाहिए लाइफ साइंस में, या फिर बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजिकल साइंसेस में। 35 साल की उम्र होनी चाहिए 12 तारीख तक। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं। इनफैक्ट अगर मैं सब पढ़ने जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। और इनमें काफ़ी सारों की जो है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ MSc मांग रहे हैं, तो MSc के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी, अगर आपका मन है MSc के साथ। और यहाँ पे CSIR भी किसी में भी रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। कुछ जो जॉब्स है वो आप देख सकते हैं BSc के लिए ही है, BSc/3 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स हैं, यू कैन चेक देम ऑल। गाइज, आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैं यहाँ पे स्टाइफंड बता देती हूँ कि वो कितना देने वाले हैं मंथली। तो यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 देखिए, क्योंकि डिफरेंट डेजिग्नेशंस है, तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 को मिलेगी 31,000 प्लस HRA टू स्कॉलर्स हु आर सेलेक्टेड थ्रू, जिनके पास CSIR नेट है, इंक्लूडिंग लेक्चरशिप हो या फिर गेट हो या फिर सिलेक्शन नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। लेकिन अगर आपके पास CSIR नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको 25,000 मिलेगा इस तरीके से। फिर अगर आप एसोसिएट 2 है तो वन सेकेंड 35,000 मिलेगा। अगर आपके पास वो नहीं है एग्जाम, तो आपको 28,000 मिलेगा। सिमिलरली सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 42,000 है प्लस HRA है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 के लिए 56,000 है प्लस HRA प्लस इंक्रीमेंट है फॉर 5% फॉर एवरी 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 के लिए 67,000 है। साइंटिस्ट डी के लिए 54,000 प्लस HRA और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 20,000 प्लस HRA प्लस पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने बता भी रखा है आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म पे अप्लाई करना है, यहाँ पे जाके आपको अपलोड करना है अपना CV और फोटो। और उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने और भी कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी है, आप इन सब पॉइंट्स को देख सकते हैं। कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग, प्लीज इंश्योर दैट यू फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इफ यू अप्लाई विदाउट फुलफिलिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, देन इट विल बी कंसिडर्ड दैट यू आर गिविंग रॉन्ग और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। तो आप भाई क्वालिफाई होने चाहिए, जितनी भी चीज़ उन्होंने मांगी, आपका MSc BSc जो भी ये मांग रहे हैं वो आपका क्लियर होना चाहिए ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्त कैंडिडेट हुआ स्टिल पोस्टिंग MSc और एनी क्वालिफिकेशन फॉर द अबव पोस्ट ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड, उनको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। आपका पूरा हो जाना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका MSc BTech PhD का, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज भी आपको उसी लिमिट में आना चाहिए। 14 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग और नंबर ऑफ पोजिशन है। गाइस, आप देख लीजिए, आप जो भी आप MSc जिस भी ब्रांच में, जैसे कि यहाँ पे MSc इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस फिनोमिनन इन इंडिया अ लॉन्ग टर्म लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जर्वेशन, तो इस तरीके से यहाँ पर है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप का इसकी ये लेक्चर जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप जरूर अप्लाई करेंगे। और इसी के साथ साथ इनको उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा जो कि कहीं पे अप्लाई करने के लिए देख रहे हैं, और अप्लाई जरूर करवाइएगा उनसे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बंसल बायोलॉजी चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक।